बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है आप न्यूज़ और मैं हूँ उनसला इरफान। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ाया। खातून समेत 3 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। आमने दुश्मनों की फायरिंग से 1 अहलकार भी शहीद, 2 जख्मी हो गए। LNG केस में अहम पेशरफ। नैब कराची ने आसिफ जरदारी के दस्तराज इकबाल जैद अहमद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में तौसी होगी या नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की हंगामा आरई, पुलिस से हाथापाई, रुकावटें उबूर करने की कोशिश। सेहत की खराबी या कुछ और, एजाज शाह से वजारत दाखिला का कलमदान वापस लेने का फैसला। नया वजीर दाखिला कौन होगा? वजीर आजम ने मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया। मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। शेख रशीद और परवेज खच्चर की नजरें भी वजारत पर लग गई। मसलाए कश्मीर पर अरब दुनिया मुतहर्रिक। सऊदी अरब और UAE के वज़ीरे खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। कश्मीर के सूरत हाल और खित्ते में अमन अमान पर बातचीत होगी। मकबूजा वादी में 1 महीने का कर्फ्यू भी कश्मीरी नौजवानों के हौसले पस्त ना कर सका। खुराक और अद्वियात का बहरान मजीद संगीन, लोगों की जिंदगियां खतरे में। मकबूजा कश्मीर में हिटलर मोदी के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। कैंसर के इलाज के लिए आए श्रीनगर के मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया। जुनेद ने मीडिया को भारत के गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक आगाह किया था। पुलवामा धमाका, भारतीय खुफिया एजेंसियों की नाकामी करार। CRPF ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। अलर्ट में बम धमाके का जिक्र तक नहीं था, सिर्फ जनरल अलर्ट जारी किया गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ। गुड्स ट्रांसपोर्ट से भत्ता वसूली नाकाबिले कबूल। वजीर आजम इमरान खान ने कराची तुरखम और कराची चमन पर ट्रकों से किराया वसूली की शिकायत का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक पुलिस, एक्साइज, कस्टम्स, रेंजर्स और FC एहलकारों के रिश्वत की शिकायत बढ़ती जा रही है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में सानिहा बल्दिया केस की समाअत। मुलजिम रहमान भोला ने फैक्ट्री मालिकान के वीडियो लिंक पर बयान देने को हाईकोर्ट में चैलेंज करार दे दिया। फैक्ट्री मालिकान दुबई कौंसुलेट में मौजूद, वीडियो लिंक के इंतजाम के बावजूद बयान कलमबंद न हो सके। समाअत 17 सितम्बर तक मुलतवी। रहीम यार खान ने पुलिस के तशद्दुद से जांबहक सलाहुद्दीन को हफ्ते की रात 9 बजे शेख जैद हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस ने मौत की तस्दीक के बाद जल्दबाजी में पोस्टमार्टम करवाया। हॉस्पिटल लाने की CCTV फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप न्यूज़ ने हासिल कर ली। बहावलपुर में उस्ताद के तशद्दुद से जांबहक तालिब इल्म चल बसा। मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। लवाहिकीन का एहतजाज, नवी जमात का तालिब इल्म तलहा वालिदैन का इकलौता बेटा था। स्कूल का हेडमास्टर वाकई से लाए। डेंगू मच्छर के जानलेवा हमले। रावलपिंडी के बेनजीर हॉस्पिटल में 60 साल खातून दम तोड़ गई। डेंगू वायरस से जांबहक अफराद की तादाद 2 हो गई।
और मिसबाह उल हक 3 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। वकार यूनस बॉलिंग कोच होंगे। मिसबाह उल हक कहते हैं टीम की कोचिंग एजाज की बात है, नई जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये थी आपकी हेडलाइंस। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप साथ रहिएगा।